नमस्कार दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी बैठे हुए थे, गजानन जी की पूजा कर रहे थे, अचानक एक दोस्त का फ़ोन आया, उनके घर में सांप आ गया। तो मेरे मित्र हैं, उनको मैंने बुलवाया है और अपन भी उनके घर चलते हैं, कैसे रेस्क्यू करके अपन भी देखते हैं। दोस्तों ये है सुभाष नगर एक्सटेंशन गेट नंबर फर्स्ट, यह अंदर मेरे दोस्त का घर है, यहाँ पर सांप आया हुआ है। तो जो स्नैक कैचर है वो आ रहे हैं, उनको लेके फिर हम अंदर चलते हैं और रेस्क्यू करते हैं। तो दोस्तों ये है तौहीद भाई, इस समय यूट्यूब पे लाइव हो रहे हैं। मेरे दोस्त के यहाँ सांप आया है। दोस्तों अपन पकड़ने के लिए चलते हैं गली में। ये देंगे, चलो अब मुझे बचा। दोस्तों कौशिक भाई है, हमेशा सबकी मदद करते हैं, हमेशा सबकी मदद करते हैं, कभी पैसा नहीं लेते, सेवा करते हैं। और इनकी जो जितने भी एनिमल्स हैं, इनको ये हमेशा इनकी खासियत रही है कि रेस्क्यू करके और इनको वापस जंगल में छोड़ देते हैं। ये एक बहुत अच्छी इनकी सेवा है, मानव सेवा। अब वो उस खड्डे के अंदर है ना सांप, तो उसको पानी का एक थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो उससे क्या है कि वो बाहर आने की कोशिश करेगा और उसको रेस्क्यू करके और उसको सुरक्षित छोड़ देंगे बाहर से आने वाला। ये देखो, ये देखो भैया, ये कौशिक भैया ने इनको पकड़ लिया है, ये इनको सुरक्षित छोड़ेंगे। ये देखो बिल्कुल भी, ये देखो मैं बिल्कुल पास में जा रहा हूँ और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओ कौशिक भाई, ये कौन सा सांप है? ये वाइपर है। वाइपर है ना, डेंजरस होता है? अच्छा, कहीं अटकता है तो बाइट करता है। तो देखो दोस्तों मैं भी हाथ लगा लेता हूँ, बहुत सॉफ्ट है, नेचुरल है और एकदम क्या बोलते हैं, लसलसा सा होता है ना, लसलसा जैसा है, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते गोद में लेते हैं तो वैसा लग रहा है। तो कहते हैं कौशिक भाई के डेंजरस तो होता है, लेकिन जब इनका कोई रास्ता रोकते हैं तो ये बाइट करते हैं, इसको वाइपर सांप कहते हैं। ये देखिए, बहुत डेंजरस। ये इसको अंदर रखते समय थोड़ी सी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ता है, एकदम से डब्बे को बहुत सावधानी से बंद करना पड़ता है, नहीं तो ये लपक के आपको काट भी सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ है और कौशिक भाई इसको जंगल में जो नेचुरल जगह होती है वहाँ ले जाके इसको छोड़ देंगे। अब इसमें एक ये काम करते हैं कि इसमें एक होल कर देते हैं ताकि इसके ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो एकदम नॉर्मल रहे और उसको सांस लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, उसको सफोकेशन नहीं हो, नहीं तो जनरली वो सांप ऑक्सीजन नहीं मिलने से उसके डेथ भी हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिलीप जोशी ऑल ओवर ब्लॉग्स। करना पड़ती भैया, इतना बढ़िया काम कर रहे हो आप। हाँ लोगों को बचा रहे हैं। तू भी बचा माँ, कौशिक भाई को आशीर्वाद दे। थैंक यू, बहुत बहुत भगवान आप। ये देखो कितना अच्छा कौशिक साहब का आशीर्वाद मिला, इतना बढ़िया काम करते रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑफिस से आए हो तब तक हमें पकड़ लिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दिलीप जोशी ऑल राउंडर ब्लॉग्स में आपका भी स्वागत है सर। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। ये देखिए दोस्तों कितना लवली और कितना प्यारा है, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसको मैं और कौशिक साहब इसको अभी अच्छी जगह पे छोड़ के आएंगे और एकदम सेफ रेस्क्यू करते हैं। कभी भी कोई भी एनिमल्स को इतना सा इंजरी भी नहीं होने दिया, मारने की बात तो बहुत दूर है, और इतनी सेफ्टी के साथ में इनको वापस नेचुरल वादियों के अंदर छोड़ के आएंगे। और आप यूट्यूब पर मेरे साथ में रोज़ देखते रहिएगा कौशिक भाई को। और तब तक के लिए नमस्ते, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में पुनः स्वागत, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स। तो दोस्तों सांप का रेस्क्यू किया, आ गया हूँ वापस घर गौरी के साथ में, गणेश पूजन, गणेश जी की आरती करते हैं। Oh,
रात के 11 बज रहे हैं, गजानंद जी महाराज के सब पूजा हो गई और अब पेट पूजा चल रही है शौर्य इन पार्टी की। देखे क्या खाते हैं ये। देखिए दोस्तों, ये चुपके चुपके क्या है ये? चाउमीन। चाउमीन चाउमीन खा रहे हैं और भुजिया खा रहे हैं सॉस के साथ में। तौफीक। क्यों शौर्य, मज़ा आ रहा है? सबको सेलिब्रेशन में मज़ा आ रहा है? बहुत, बहुत। ओके, बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। लाइक एंड सब्सक्राइब, दिलीप जोशी ऑल राउंडर ब्लॉग्स। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी